आपका नुक्ता यही है ना, फर्क की वजह यह है कि एक मुसलमान के पास वही नहीं है, वही का सोर्स नहीं है, और अंबिया के पास वही का सोर्स है, इसलिए अंबिया बिल्कुल बिल्कुल ना बिल्कुल मेरा सवाल यही नुक्ता है, बिल्कुल यही नुक्ता है। अब मेरा सवाल ये कि फरिश्ते के आलिमुल गैब है क्योंकि वो वही लाने वाले वही होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मालिक ने जो हुक्म देना है, उनको पैगाम देना, उनको वही पता चलेगा, वो मखलूक है सारा खालिक नहीं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन वो उनका भी ताल्लुक वही से जुड़ा हुआ है ना, फरिश्तों का भी, फरिश्ते ही वही लाते हैं ना अंबिया अलैहिस्सलाम के पास। अगर आप मैंने आपसे क्लियर किया है, वही मैंने जवाब देने से पहले आपके मामले को नुक्ते को क्लियर किया है, आपने फर्क की वजह वही बताई है। अगर फर्क की वजह वही है तो ये वही लाने वाले जिब्रील इस्लाम है, तो क्या जिब्रील इस्लाम आलिमुल गैब है? जी देखिए, मैं आपकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूं बार बार कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब तक पैगाम अल्लाह से नहीं मिलेगा वो बेखबर है। हाँ। और जब तक जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम रसूलुल्लाह तक नहीं लेके आते, रसूलुल्लाह बेखबर है। ठीक है, हाँ, वो मखलूक है ना, दोनों मखलूक है, फरिश्ता भी मखलूक है, रसूलुल्लाह भी मखलूक है, तो मखलूक कैसे जान सकती है खालिक के उमूर को? सही बात, मुमकिन नहीं जब तक खालिक उसको दे ना। तो हम भी कह रहे हैं भाई, तो फिर मैं सर बस मेरे ख्याल से कह रहा था, जी 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 सर, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये इल्मे गैब वाला सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि एक खालिक है। मैं समझ गया कि आप सिर्फ लफ्ज में, शायद शेख शाबान से गुजारिश करूंगा, उनको मैं रोक दिया था बीच में, कुछ कहने वाले थे वो कहें। मेरे ख्याल से ये भाई साहब सिर्फ अल्फाज को लेकर कंफ्यूज है, अकीदा शायद इनका भी यही है कि इल्मे गैब नहीं है, बाकी वो लफ्जी वजह से शायद जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। जब ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह के बताने से पहले, जिब्रील के बताने से पहले कैसे जान सकते थे, तो मेरे ख्याल से शेख शाबान कोई फर्क नहीं है अकीदे के सिलसिले में, शायद कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो लफ्ज का मसला है, जो लफ्ज का मसला है, उसको यूं हल कर सकते हैं कि चूंकि जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं वो बातें तो अम्मा आयशा को भी पता थी, और वो बातें अल्लाह तबारक व तआला को सबसे पहले पता है। अल्लाह को यह मालूम है कि मैं जिब्रील के जरिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे रहा हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी बात डाली जा रही है, और घंटी की आवाज भी आती है, उसके जरिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल रही है। तो मुख्तलिफ ज़राए से अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे रहा है, ये बात खुद अल्लाह को पता है, और जाहिर सी बात सबसे पहले अल्लाह को पता है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि आप बता दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता, मैं गैब नहीं जानता, मैं गैब नहीं जानता, या ये बता दीजिए कि गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये हुआ कि रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत सारा इल्म था, जो मखलूकात में किसी को नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इल्म, लेकिन उसके बावजूद इल्मे गैब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं, फर्क क्यों है? आप ये पूछ रहे होंगे ना कि ये लफ्जी फर्क क्यों है? इसलिए कि गैब का इल्म अल्लाह की एक सिफत है, समझे आप, ये फर्क है, फर्क की वजह यह है। और अल्लाह की सिफत किसी मखलूक की सिफत नहीं हो सकती। गैब का इल्म अल्लाह की एक सिफत है, और वो सिफत किसी मखलूक के नाम से नहीं जोड़ी जा सकती। इसलिए हम अल्लाह के लिए इल्मे गैब बोलते हैं, मगर रसूलुल्लाह के लिए इल्मे गैब नहीं बोलते हैं, मगर ये कहते हैं कि तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया अल्लाह की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।